अस्सलाम वालेकुम स्टार्टअप मिस्टर व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप गूगल का इस्तेमाल जानते हैं, आपके पास इंटरनेट है और आपके पास जो है कोई ना कोई लैपटॉप अवेलेबल है, तो आप ये काम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं और स्टार्ट के ऊपर बगैर किसी स्किल के भी, किसी भी एफर्ट के, किसी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन का काम करके आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पेमेंट कमा सकते हैं। तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। वीडियो की तरफ तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस काम से जो है वो लोग कमा कितने रहे हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, आप जस्ट ट्रांसलेशन भी लिखेंगे। ये बेसिकली फाइवर है, मार्केट प्लेस है जहाँ पे स्किल्स सेल आउट की जाती हैं और परचेज की जाती हैं और उसके बदले में पेमेंट की जाती है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं इसमें। इसमें से हमने देखा है ट्रांसलेशन की सर्विस। मैंने जैसे ही ट्रांसलेशन की सर्विस को ओपन किया है तो ये सारी सर्विसेज मेरे पास, ये सारे लोगों के प्रोफाइल्स ओपन हो गए जो कि ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज के बारे में हो सकती है, इंग्लिश से उर्दू हो सकती है, उर्दू से इंग्लिश हो सकती है, जर्मन से इंग्लिश हो सकती है, इंग्लिश से जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का आपको ऑर्डर मिल सकता है। और ये सारे लोग जो हैं ये ट्रांसलेशन का ही काम कर रहे हैं। ये सारे पेजेस हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं आप, नाइन्थ पेज पे चले जाएं, ये सारे मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश इंटू जर्मन, आई विल प्रूफ रीड करेक्ट एंड ट्रांसलेट योर जर्मन इंग्लिश टेक्स्ट। ठीक है, आई विल ट्रांसलेट एनी स्पेनिश आर इंग्लिश बिजनेस आर लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये स्पेनिश की सर्विस दे रहे हैं, ये इंग्लिश टू इटालियन दे रहे हैं सर्विस, ये जो है इंग्लिश टू थाई दे रहे हैं, ये जो है इंग्लिश टू स्पेनिश दे रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज की सर्विस दे रहे हैं। अब हम देखते हैं ये लोग पे, इनको पे किया कितना कितना किया जाता है, मतलब ये अर्निंग कितनी कर लेते हैं ट्रांसलेशन की सर्विस में। तो ये एक मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया है, ये एक फीमेल है जो कि आई विल प्रोवाइड फास्ट एंड प्रोफेशनल जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्विस दे रही है जर्मन से इंग्लिश में। आपने इस बात से घबराना नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती या जर्मन नहीं आती, आपको दोनों भी नहीं आती तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका काम तरीक़ेकार ये है कि वो कैसे है वो मैं आपकी अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट चल के कि आप किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत इजी है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, पहले जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग पैसा कितना कमाते हैं। तो ये एक सर्विस दे रहा है कि एक बंदी है जो, और इसका लेवल टू आई थिंक अकाउंट है ये, और 140 के करीब इसको रिव्यूज़ मिल चुके हैं और 140 रिव्यूज़ के अंदर ही इसको लेवल टू भी मिल गया है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग में। तो देखते हैं ये कितने पैसे लेते हैं, ये इसके पैकेजेस हैं, कंपेयर पैकेजेस। तो बेसिक इसका जो क्विक एंड इजी पैकेज है, ट्रांसलेट अप टू 500 वर्ड्स फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश $40 में। इसको जस्ट आपने कैलकुलेटर को याद रखना है। इसी तरह से उनका दूसरा है, उसकी दूसरी सर्विस है स्टैंडर्ड, इसमें वो $85 चार्ज करते हैं और 1K वर्ड्स 24 आवर्स डिलीवरी देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उसकी नेक्स्ट सर्विस है $155 की, और ये है 2K वर्ड्स जो हैं ये आप इसको दे सकते हैं, 2K वर्ड्स आपने इसको करके देना है। ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं मैं नहीं ये कहता हूँ कि आप यही वाले ऑर्डर लेंगे या यही, आप सबसे छोटे वाले ऑर्डर ले लें। ठीक है, आप $40 के ऑर्डर ले लें, तो $40 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको जो है कितनी अमाउंट बनेगी आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं 40, 10,489। ठीक है, तो ये सबसे उसकी जो लोवेस्ट बेसिक सर्विस है जिसके अंदर वो 500 वर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहा है जर्मन से इंग्लिश के अंदर, उसमें वो ये उसको पे किया जा रहा है। सिर्फ सिंपल ये नहीं है, और भी बेशुमार लोग हैं जो ये वाली सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये जो सर्विस है ये कंप्लीट कैसे करनी है।
आपको डेली ₹10,000 का एक ऑर्डर आता है तो आप हिसाब लगा लें कि मंथ में आपके कितने पैसे बनते हैं। तो हम मैंने जो आपको कैलकुलेशन दी है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ऑर्डर आए आपको, चले आपको 2 दिन के बाद आ जाता है, शुरू में 3 दिन के बाद आ जाता है, तो आप उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। जब आप थोड़े से इन हो जाते हैं इस मार्केट के अंदर, थोड़ा सा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स बन जाते हैं, तो फिर जो है आप उसको इजीली बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इस काम को हमने कंप्लीट कैसे करना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी आपने करना नहीं है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट, ये गूगल ट्रांसलेट है, यहाँ पे चले जाना, ठीक है। ये 2 खाने आ गए, एक और ये 2। अब यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट इंग्लिश में रखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है, और इसको हमने चेक करना है कि इसको आप अपनी तरफ से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं उसको जो है वो जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है। इसमें आपने कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपके पास टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, आपने यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज एक सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास टेक्स्ट है। और इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है ना, वो आपके पास टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिटेक्ट लैंग्वेज, तो उसको क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि ये इंग्लिश टेक्स्ट है। अब नेक्स्ट हमने आउटपुट किस में लेनी है, कौन सी, वहाँ पे जर्मन की जो है वो एग्जांपल्स दी जा रही थी, तो आप यहाँ पे जर्मन क्लिक करें। जैसे ही आप जर्मन क्लिक करेंगे तो ये आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट है इसको उसने जर्मन में कॉपी कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये जर्मन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जितना आपने 2 लाइनें कर ली हैं, बाकी आप यहाँ से दूसरा अपना टेक्स्ट कॉपी करें, जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको आप कॉपी करके इधर लेके जाएं, यहाँ पे रिप्लेस करें, ये उसको जर्मन में विद इन सेकेंड्स उसने कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से आगे हम जर्मन टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं, ये भी जर्मन में कन्वर्ट हो गया। बाकी रह गया ये वाला पैराग्राफ, इसको भी हमने जो है वो कॉपी करना है। करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे तो इसका जर्मन वर्जन आ गया है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप आके पेस्ट कर दें। तो ये आपका जितना भी टेक्स्ट था ये सारा अब जो है वो जर्मन में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस वाले इंग्लिश टेक्स्ट को ख़त्म कर दें, ये आपके पास जर्मन फाइल हो गई है, इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद अपने कंप्यूटर के अंदर आप इसको, जो भी आपका क्लाइंट होगा यहाँ पे, उसको आपने सेंड करना कर देना, दैट्स इट। ये आपकी कंप्लीट जॉब है, इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे बताएं। तो आप इसको जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट करें, अपने प्रोफाइल के अंदर ये वाली सर्विस ऐड करें और कोशिश करें कि आप इससे भी लेस सर्विस दें। आप $20 कर लें, आप $15 कर लें, आप $10 कर लें स्टार्ट के अंदर क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही आपकी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दें, ठीक है। सिर्फ इसमें कोई स्टैंडर्ड और प्रीमियम और बेसिक के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है। मतलब इसमें आपको 500 वर्ड्स हैं, इसमें आपको 1K वर्ड्स हैं, मतलब 1,000 हैं, और इसमें 2,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे तो आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल रही होगी, इसको देखें और अपना आज ही ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।